एवरीवन, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं अपना चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं आप ही के फेवरेट शो ये उन दिनों की बात है कि पूरी स्टार कास्ट के बारे में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि रिसेंटली हुए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड 2018 में किस तरह से हमारे स्वाति, नैना, समीर, मुन्ना पंडित से लेकर बेला चाची और चाचा जी ने लगाए रेड कार्पेट पर जमकर जलवे बिखेरे। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किसका लुक रहा बेस्ट। तो वहीं आपको सीधा लिए चलेंगे समीर से और सुनवाएंगे क्या कहना है उनका इस अवार्ड को लेकर। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन टेलीविजन अवार्ड में किस तरह से इन सारे स्टार्स ने किया अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हार्ड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खास प्रोग्राम और लिए चलते हैं आपको आप ही के स्टार्स ये उन दिनों की बात है कि समीर, मुन्ना, पंडित, नैना के सीधे पास। आप सभी का फेवरेट सीरियल ये उन दिनों की बात है में, जहां आपने हर एक चेहरे को बेहद सादा सिंपल तरीके से देखा होगा, तो वहीं आज हम आपको आप ही के प्यारे समीर यानी कि रणदीप राय, नैना यानी कि आशीष सिंह, मुन्ना जिसे आप संजय चौधरी के नाम से जानते हैं, तो वहीं स्वाति यानी कि क्रिस्टीना पटेल जैसे तमाम इस सीरियल के सारे चेहरों को हम इतने अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे कि जिसे देखकर आपका भी दिल हो जाएगा बाग बाग। हम बात कर रहे हैं हाल ही में स्पॉट की गई आपके फेवरेट सीरियल ये उन दिनों की बात है कि पूरी टीम के स्पॉटेंस की, जहां पर हाल ही में हुए ITA अवार्ड 2018 में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश अंदाज में हर किसी को किया गया स्पॉट। वेल, जैसे कि आप देख पा ही रहे होंगे कि समीर और नैना दोनों ने ही यहाँ पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए वाइट कलर के कपड़े चूज किए अपने इस खास दिन। तो वहीं अगर बात की जाए स्वाति और प्रीति की, तो बेहद दिलकश अंदाज में स्टाइलिश ड्रेस के साथ जहाँ हमारी प्रीति फॉर्मल्स को प्रमोट करती नजर आई, तो वहीं सुपर सिजलिंग अवतार में हमारी स्वाति का लुक इस कदर अट्रैक्टिव लगा कि वाकई हम तो देखकर हैरान थे कि क्या ये वही भोली भाली सी दिखने वाली स्वाति है। लेकिन आपको साथ ही में बता दें कि खूबसूरत दिखने के लिए इन सभी ने घंटों मेहनत भी की, जिसकी जानकारी इस खूबसूरत से इवेंट में हमारे मुन्ना पंडित ने एक इंटरव्यू के दौरान दी, जहां मीडिया इंटरेक्शन के दौरान समीर से पूछे गए सवाल पर कि आखिरकार आप लोगों का ऑफिस ग्रीन बॉन्ड कैसा है, तो इस सवाल पर झट से मुन्ना बोलते हैं कि जैसे हम ऑन स्क्रीन नज़र आते हैं असल ज़िंदगी में भी बिल्कुल वैसे ही दोस्त हैं। दरअसल इस इवेंट में आने के लिए तैयार भी हमें समीर ने ही किया है, और इसी के लिए हम पहले समीर के घर गए और वहां पर समीर ने हमारे बालों में जेल लगाया और हम सभी को तैयार किया। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि ITA अवार्ड यानी कि इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड में कैसा रहा इन सभी का लुक और किसको कैसा लगा। जहां काव्या के एस कुपे ये लिखती हैं सो ब्यूटीफुल आशी, तो भाई हमें भी आशी का लुक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसफुल लगा जो कि वाकई में काबिल तारीफ़ है। अगर बात की जाए हमारी नैना के लुक की, तो खूबसूरत वाइट कलर की फेरी ट्रेल ड्रेस में नैना शायद ही इतनी खूबसूरत, इतनी अट्रैक्टिव नज़र आई हो। इसी के साथ अगर बात की जाए समीर के ओवरऑल लुक की, तो नैना की ड्रेस से कॉम्प्लीमेंट करते हुए वाइट और ब्लैक कलर के फॉर्मल टू पीस में समीर ने रेड बो लगा कर तो बानो अपने लुक में चार चांद ही लगा दिए। और अगर बात की जाए इस सीरियल के स्टार सेलिब्रिटीज़ यानी कि बेला चाची और हमारे चाचा जी की, तो बेला चाची ने भी अपने स्टार्स की थीम को फॉलो करते हुए वाइट और गोल्डन कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आई। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए हमारी नैना, स्वाति और प्रीति के मेकअप की, तो बिल्कुल अपनी एज की तरह परफेक्ट लाइट मेकअप के साथ इन तीनों ही हसीनाओं ने इस कदर रेड कार्पेट पर हर किसी का अटेंशन किया ग्रैब की मानो कोई बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हो। हालांकि कुछ फोटोज़ में इनकी सीरियल में नज़र आने वाली शेफाली भी नज़र आईं, लेकिन इवेंट पर रेड कार्पेट पर शेफाली कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आईं। लेकिन चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं हमारी खूबसूरत सी दिखने वाली नैना यानी कि आशीष सिंह के ये खूबसूरत से अंदाज में। पर जैसा कि आप इन पिक्चर्स में, इस वीडियो में हमारी आशी का लुक देख सकते हैं, तो
अगर लुक डिटेलिंग की बात की जाए तो डैंगलर टेसल्स में बेहद खूबसूरत हेयर स्टाइल में, जहां नैना ने अपने फ्रंट बालों में पमिंग करवाई थी, तो वहीं लाइट कर्ल्स के साथ नैना ने अपने बाकी बालों को हाफ पोर्शन में खुला छोड़ दिया। तो वहीं स्वाति ने भी अपने स्ट्रेट और ब्यूटीफुल हेयर्स को नीचे से कर्ल करवाते हुए मिड पार्टेड हेयर में अपने वेस्टर्नाइज लुक को और भी ज्यादा रिच बनाया। इसी के साथ अगर बात की जाए हमारी प्रीति यानी कि आयशा गाडेकर की, तो फॉर्मल्स को किस तरह से आप अपने एटीट्यूड और एकदम स्टाइलिश अंदाज में पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ये अगर आपको सीखना है तो आप हमारी आयशा से सीख सकते हैं, जिन्होंने ग्रे चेक फॉर्मल आउटफिट को बिल्कुल स्टाइलिश ब्लैक बटरफ्लाई इनर के साथ इस तरह से पेयर आउट किया कि वाकई में हर कोई देखकर हैरान था कि भोली भाली और बॉडम सी दिखने वाली हमारी स्वाति भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है। तो भाई प्रीति की तो खूबसूरती के क्या कहने। ओवरऑल अगर बात की जाए इस पूरे इवेंट में, ये उन दिनों की बात है कि सर ही स्टार कास्ट के लुक की, तो भाई कोई भी किसी से पीछे नहीं लगा। लेकिन आप सभी को किसका लुक लगा है सबसे ज़्यादा बेस्ट हमें ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने अपने फेवरेट के लुक के बारे में अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी जल्दी से लिख भेजें, ताकि हम अगले प्रोग्राम में आपके खूबसूरत से प्यारे प्यारे मैसेज शामिल कर पाए। इसी के साथ अगर बात की जाए हमारी आशी यानी कि नैना की, तो जैसे ही उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान पूछा गया कि आप कितनी एक्साइटेड हैं, तो नैना ने बड़ी ही खुश मिजाजी के साथ इस बात का खुलासा किया कि मैं इस साल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो इसलिए कि IETA अवार्ड फैमिली ने हम लोगों को अपने परिवार में शामिल किया, और दूसरा इसलिए कि मेरा हीरो नॉमिनेटेड है। वेल, नैना का इस तरीके से अपने हीरो को सपोर्ट करना भाई वाकई में हमारा तो दिल ही जीत लेता है। लेकिन चलिए अब आपको सुनवाते हैं खुद समीर बाबू से कि आखिर क्या कहना है उनका इस ITA में आने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, और जिस दिन मैं नॉमिनेट हुआ था उस दिन से लेकर आज तक अभी तक मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि ये लाइफ में एकदम से क्या हो गया, क्योंकि इट्स जस्ट एक साल हुआ अभी हमारे शो को, और इतना प्यार हमारे फैंस ने हमें दिया, हमारे शो को दिया, तो आई एम ब्लेस्ड कि यू नो मैं यहाँ तक पहुँचा। आज तो नहीं बट फ्यूचर में ज़रूर होगा। यार हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार करते हो हमारे शो को, शो के सारे कैरेक्टर्स को, इतना ध्यान देते हो हमारा, हमारे बर्थडे हमारे जो भी चीज़ें होती है उसको स्पेशल बनाते हो, केक्स भेज के, गिफ्ट्स भेज के, जो इजी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है और फिर भी टाइम निकालना, तो इट्स अ बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच, वो जो आप प्यार हमें देते हो शायद वो हम आपको कभी वापस नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल वील आई कीप ऑन ट्राइंग कि मैं आपको उतना प्यार दे सकूँ कि आप लोग सब खुश रहें। सबको हैप्पी न्यू ईयर, और सबका नया साल बहुत अच्छा हो, बहुत जो वो करना चाहते हैं लाइफ में वो सब वो करें, जो पाना चाहते हैं वो पाए। सो या थैंक यू। कि हमेशा से ऑन स्क्रीन नॉन ग्लैमरस रोल में नजर आने वाले हमारे सारे स्टार्स असल जिंदगी में है काफी ज्यादा स्टनिंग, गुड लुकिंग और काफी ज्यादा हैंडसम भी। अगर बात की जाए लड़कों में, तो भाई समीर के गुड लुक्स तो आपने ऑन स्क्रीन देखे ही होंगे, तो भाई उनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा परफेक्ट और डैशिंग लगना तो लाजमी था। लेकिन वहीं पर हमारे पंडित और मुन्ना भी कुछ फैशन के मामले में कम नहीं लगे। तो वहीं अगर गर्ल्स में बात की जाए सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्टाइल की, तो नैना का प्रिंसेस स्टाइल फ्रॉक इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा था कि जिसने वहाँ मौजूद हर किसी यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस को पीछे यकीनन छोड़ दिया। तो वहीं अगर बात स्वाति के और प्रीति के लुक्स की, तो भाई उनका तो एकदम अलग ही अवतार हमें इस बार देखने के लिए मिला। लेकिन आपको ITA अवार्ड 2018 में ये पूरी स्टार कास्ट में से किसका लुक लगा सबसे ज्यादा बेस्ट, फटाफट से हमें कमेंट के जरिए बताना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।